आज से करीब 2 महीने पहले दिल्ली के मटियाला इलाके में एक बीजेपी नेता जिनका नाम था सुरेंद्र मटियाला, उनकी गोली मारकर उन्हीं के ऑफिस में घुसकर बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग ने ली है। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बहुत पहले ही कई सारी सफलताएँ मिली थी, आज एक बार फिर से सफलता मिली है। इस पूरे मामले का आरोपी इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो कौन है ये शूटर, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही गैंगस्टर नंदू गैंग को लेकर कहा जा रहा है, नंदू जो कपिल सांगवान जिसका नाम है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, साथ ही सुरेंद्र मटियाला के बारे में और बहुत सारी चर्चा करेंगे। मंजीत महल जो जब चिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो रही थी तो उस वक्त वो उसी समय वहाँ पर मौजूद था, उसके बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर को जो पुलिस की गिरफ्त में बैठा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे नजफगढ़ जोन के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र मटियाला की हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला बताया जा रहा है। ये कपिल सांगवान उर्फ नंदो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बताया जा रहा है। सुनील झज्जर फिलहाल हरियाणा का रहने वाला है और राज्य स्तरीय बास्केटबॉल का खिलाड़ी रह चुका है। पुलिस ने उसके पास से 3 कारतूस और कई ऑटोमेटिक पिस्तल बरामद किए हैं। 14 अप्रैल को दो बदमाशों ने जब बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की उन्हीं के ऑफिस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, और इस मामले में तभी से पुलिस आरोपी को लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस के गिरफ्त में बहुत पहले कई सारे हत्यारे गिरफ्तार हो चुके थे। CCTV कैमरों की फुटेज से पता लगाया गया था कि गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये भी मालूम चला था कि कपिल ने गांव छारा झज्जर के रहने वाले रोहित के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। रोहित छारा ने सोहित, योगेश, सुनील फसिला, विवेक और अन्य को शामिल किया था। ये भी जानकारी मिली थी कि कपिल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जबरन वसूली के उद्देश्य से गिरोह की कमजोर होती छवि को पुनर्जीवित करने और अपने विरोधी गैंग के सदस्यों को खत्म करने के लिए अपने गैंग में नए शूटर भर्ती कर रहा था। पुलिस टीम ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनके कई जगहों पर छापेमारी की थी। फरार आरोपी की पहचान गांव चारा जिला झज्जर हरियाणा के रहने वाले सुनील उर्फ सिल्ला के रूप में हुई है, जो पुलिस के सामने खड़ा है। और इंस्पेक्टर अरविंद और कृष्ण कादियान की टीम ने उसे दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये इसकी शादी नहीं हुई है। इसने रोहतक के से स्नातक की पढ़ाई की है। इसके माता पिता गांव में रहते हैं। इसका एक भाई अनिल गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता था। आरोपी रोहित उर्फ छारा उसका सहपाठी था और वह पिछले 1 साल से उनके संपर्क में था। रोहित ने उसे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से मिलवाया था। उसने बताया था कि नंदू ने उसे द्वारका के दिल्ली के रहने वाले सुरेंद्र मटियाला को खत्म करने के लिए वहां से आदेश दिया है। बाद रोहित, सुनील और उसके अन्य साथियों ने सरोजनी नगर के एक फ्लैट में रहकर सुरेंद्र मटियाला की हत्या की पूरी साजिश रची। पूछताछ में आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी आगे की योजना अपने गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर अपने निजी हिसाब को बराबर करने की थी। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था और अपने मालिक कपिल सांगवान और नंदू के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि अपराधी अगर जमीन के अंदर भी छिपा हो तो वहां से भी खोद कर निकाल लाती है, इस बार भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी काबिलियत का परिचय कुछ इस तरह से दिया। जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि उत्तराखंड में पुलिस दबिश मारकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो आरोपी किस तरह से अब दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की गिरफ्तारी की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि नंदू के बारे में कहा जा रहा है कि वो विदेश में छिपा हुआ, अगर हिंदुस्तान में होता तो शायद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे कब का गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन सुरेंद्र मटियाला की हत्या के बाद जिस तरह से कपिल सांगवान और फर्नांडो ने अपने वर्चस्व की फिर से शुरुआत की थी, अपने दबदबे की शुरुआत करने की कोशिश की थी, उसका अगला टारगेट मंजीत महल था। वही मंजीत महल है जो जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो रही थी तो मंजीत महल ने उसे बचाने की कोशिश की थी। यानी मंजीत महल नीरज बवानिया सिंडिकेट का हिस्सा है और उसका विरोधी गैंग कपिल सांगवान और फर्नांडो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है, और इन दोनों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चलती है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की जुगत में रहते हैं। लेकिन मौके की बात यह है कि मंजीत महल दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, जबकि कपिल सांगवान और फर्नांडो फरार है। इस बीजेपी के नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या हुई थी, उनके बारे में भी निकलकर जानकारी सामने आई थी कि कपिल सांगवान नंदू की तरफ से ये कहा गया था कि मंजीत महल का वो रिश्तेदार है, और जब सुरेंद्र मटियाला मारा गया तो कपिल सांगवान और फर्नांडो की तरफ से कहा गया था वो इसे मंजीत महल को कमजोर करने की इस वारदात से कोशिश कर रहा था। फिलहाल
पकड़ा गया आरोपी सुनील अब बहुत सारे खुलासे दिल्ली पुलिस के सामने करेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब इसे कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड ले चुकी है और इससे अब कई सारी जानकारियां इस पूरे मामले में निकलवाने की कोशिश कर रही है।